आदरणीय डॉक्टर विकास महात्मे जो पद्मश्री से सम्मानित है, जो डायरेक्टर है महात्मा आई केयर सेंटर के, डॉक्टर मंगत डोगरा जो एडवांस्ड आई सेंटर पीजीआई के हेड रहे हैं, और हमारा साथ तो लगभग 49 इयर्स का है, 49 इयर्स लगभग 50 साल हमारे होने वाले हैं। और जो हम लोगों ने सीखा है, हमने एक चीज़ ये भी सीखी है कि जो भी काम लाइफ में होता है वो टीम वर्क से होता है, लड़ाई झगड़ा से नहीं। यहाँ पे मौजूद डॉक्टर गोपाल आईएमए से, डॉक्टर योगेश, और दूसरे जो हमारे डॉक्टर विशाखा तो हमारी स्टूडेंट रही है लगभग ओवर 3 साल से ज़्यादा। अब तो हम डॉक्टर विशाखा को लगभग 9 साल से जानते हैं। जब डॉक्टर विशाखा चंडीगढ़ में थी तो आई थिंक कितना हार्ड वर्क करती थी, कितनी सिंसियर थी, कितना काम करती थी, और इनके अंदर कोई भी कुछ भी, एक बिल्कुल हम्बल सोल थी। तो उससे हमें ये मालूम हो गया कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी, और उसका परिणाम है कि डॉक्टर विशाखा और डॉक्टर योगेश ने एक बहुत बेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल इंतराक्षी को खड़ा कर दिया। और जो हमारे लिए, मैं तो 42 साल पीजीआई की सेवा की, लगभग 42 साल मेरे पूरे हो गए, और 42 साल में मैं तो हॉस्पिटल अपने लिए तो नहीं बना सका, पीजीआई के लिए तो हम लोगों ने, जैसे डॉक्टर डोगरा ने कहा, एडवांस्ड आई सेंटर बनाया जो कंट्री में एक बिल्कुल काफ़ी टॉप हॉस्पिटल में आता है। तो जो डॉक्टर विशाखा और डॉक्टर योगेश ने हॉस्पिटल बनाया, इतना अच्छा हॉस्पिटल, तो जब हम चंडीगढ़ से चले थे तो हमने सोचा भी नहीं कि कितना अच्छा हॉस्पिटल इन्होंने बनाया। उसकी NABL एक्रीडेशन हुई तो एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी, कितने हॉस्पिटल नागपुर में NABL एक्रीडेटेड होंगे, बहुत कम होंगे। इवन कंट्री में कितने आई हॉस्पिटल NABL से एक्रीडेटेड है, बहुत ही कम होंगे। तो इसका तो जो क्रेडिट है वो डॉक्टर विशाखा और डॉक्टर योगेश को जाता है। और बड़ी हैरानी की बात है कि आज यहाँ पे मेरे और डॉक्टर डोगरा के और डॉक्टर महात्मा के स्टूडेंट तो डॉक्टर योगेश हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं डॉक्टर विशाखा है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, इतनी फैसिलिटीज़ को क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है। फेको इमल्सिफिकेशन हो रहा है, फेको इमल्सिफिकेशन भी ठीक करना कोई कम बात नहीं है। इंट्राकुलर लेंस इम्प्लांटेशन हो रही है, दूसरा कॉर्निया की सर्विसेज है, रेटिना की सर्विसेज है, इन्होंने बताया ओकुलोप्लास्टिक की सर्विसेज भी यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सबके लिए, जैसे बताया कि चाहे कोई पुअरेस्ट ऑफ पुअर हो उसके लिए भी जगह है, और जो कोई रिचेस्ट हो या जो कोई बहुत महान हस्ती भी हो उसका भी यहाँ पे सर्जरी हो सकता है। जैसे कि इन्होंने मतलब मूवी में भी दिखाया, और वैसे भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे सबका सर्जरी हो सकता है। और जो पुअर है या जो काफ़ी सारे लोग हैं उनका, जैसे यहाँ पे आयुष्मान भारत की फैसिलिटीज़ है, वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आयुष्मान फैसिलिटी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होती है। तो मैं इस आज PGI चंडीगढ़ की तरफ से, और मेरी और डॉक्टर डोगरा की तरफ से, डॉक्टर योगेश और डॉक्टर विशाखा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और जो हमारी बेस्ट विशेज है उनके साथ है। पर मैं एट द सेम टाइम ये बताना चाहता हूं कि जो पेशेंट है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो पेशेंट के लिए हमें पूरा एक एम्पैथी से काम करना है, उनकी पेशेंट की दर्द को पहचानना है। वैसे तो हमें पता है कि जैसे विशाखा और डॉक्टर योगेश है, ये पूरे एम्पैथेटिक लोग हैं, और साथ साथ में ये है कि हमें
जो भी काम करना है वो इथिकल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ही कुछ कर दिया, लेजर कर दिया, जो तो हमें, ये तो हमें पता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमें पूरा पूरा इस चीज़ का पता है। और वैसे भी कई बार ये होता है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है जिसमें कि हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते हैं या कोई सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसमें हमें चाहिए कि हम लोग उसको रेफ़र करें जहाँ पे वो ट्रीट हो सकते हैं। तो वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी ओर से डॉक्टर विशाखा और डॉक्टर योगेश को बहुत बहुत बधाई, और हमें खुशी है कि हमारे स्टूडेंट एक टीचर से भी अच्छा कर गया, तो टीचर को इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। धन्यवाद।